वीडियो की शुरुआत करते हैं एक शानदार क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर वन है, वह देश जिसने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। द कंट्री दैट रिसेंटली अप्रूव्ड द बिल मेकिंग इकोसाइड ए क्राइम। सबसे पहले आप समझिए कि इकोसाइड होता क्या है। अगर एनवायरनमेंट में ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण लार्ज स्केल पर डिस्ट्रैक्शन होता है तो हम उसे इकोसाइड बोलते हैं। तो हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाया फ्रांस ने 18 अप्रैल 2021 को। फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने एक कानून पास कर दिया और उसके तहत इकोसाइड को अपराध बना दिया गया। अब बात कर लेते हैं फ्रांस के बारे में। ये एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी कैपिटल है पेरिस, आप सभी को पता है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। और लगभग 7 करोड़ की आबादी का ये देश है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राहुल शर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं हमारी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5 लेकर। इसमें हमने 2021 के करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चंस को कवर करके अपने चिर परिचित अंदाज में एक्सप्लेन किया है। आपके लिए हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लाइक शेयर करना आपका काम है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। और अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपको और कैसी वीडियो चाहिए और आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रायोजित मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष अपनाने का निर्णय लिया है। विच ईयर हैज़ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिसाइडेड टू अडॉप्ट द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट स्पॉन्सर्ड बाई इंडिया। हिंदी में मिलेट बोलते हैं बाजरा या ज्वार जैसी फसलों को। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट होने वाला है 2023। यूएन के बारे में आपकी जानकारी को अपडेट कर देते हैं। इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में उनका नाम है टी एस त्रिमूर्ति। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूएन जनरल असेंबली का फाउंडेशन ईयर है 1945। इसके प्रेसिडेंट हैं वोल्कान बोजकर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में तीसरे बल्लेबाज हैं। हु इज द थर्ड बेस्टमैन इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर। तो वो बल्लेबाज हैं किरण पोलार्ड और इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 में ये मुकाम हासिल किया। पोलार्ड ने श्रीलंका के जो गेंदबाज हैं अकेला धनंजया उनकी गेंद पर ये 6 छक्के लगाए। T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाने के मामले में पोलार्ड दूसरे खिलाड़ी हैं। और इससे पहले भारत के युवराज सिंह जिन्होंने 6 छक्के लगाए थे 2007 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के विरुद्ध। और जो दूसरे खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 छक्के लगाने वो हर्षल गिब्स थे जिन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ 2007 के वर्ल्ड कप में 50 ओवर वर्ल्ड कप में ये कारनामा किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि पर अपनी वार्षिक ब्याज दरों को कितने प्रतिशत बनाए रखने की घोषणा की है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोविडेंट फंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 अनाउंस टू मेंटेन इट्स एनुअल इंटरेस्ट रेट्स एट व्हाट परसेंटेज। तो EPF ने जो इंटरेस्ट की रेट रखी है 2020-21 के लिए वो है 8.5%। EPFO के बारे में आपकी जानकारी को अपडेट कर देते हैं। EPFO बना था 4 मार्च 1952 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। EPFO एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेस्पॉन्सिबल है PF के सुपरविजन और रेगुलेशन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में कितने मिलियन टन भोजन बर्बाद हुआ। ये टन है। अकॉर्डिंग टू फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 हाउ मैनी मिलियन टन फूड वॉज वेस्टेड इन द ईयर 2019। तो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 में जो फूड वेस्ट हुआ था वो हुआ था 931 मिलियन टन्स।
और इसमें से 61% था हाउस होल्ड से और 26% था फूड सर्विसेज से और 13% था रिटेल से। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट को रिलीज करता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? हु होस्टेड द लीडर्स क्लाइमेट समिट? नेताओं का जो शिखर सम्मेलन था उसकी मेजबानी की जो बाइडेन ने, जो कि प्रेसिडेंट है US के, कमला हैरिस वो वाइस प्रेसिडेंट है US की, एंटोनी ब्लिकेन की बात करें तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है USA के, और लिंडा थॉमस US एम्बेसडर है UN में, US एम्बेसडर टू UN। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने वर्चुअली इस लीडर्स समिट में पार्टिसिपेट किया जिसको होस्ट किया था USA के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन ने। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस थी, वर्चुअली ऑर्गेनाइज की गई 22-23 अप्रैल 2021 को, और इस समिट की थीम थी ओवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। 40 देशों के लीडर्स को जो बाइडेन ने इस वर्चुअल क्लाइमेट समिट को अटेंड करने के लिए इनवाइट किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लक्षद्वीप और पुडुचेरी में समुद्री स्थानिक योजना के संचालन करने पर सहमति जताई है? रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया एग्रीड टू कंडक्ट मैरीटाइम स्पैटियल प्लानिंग इन लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी? इस क्वेश्चन का आंसर छुपा है इन फोटोज में। आप अगर इस फ्लैग को पहचानते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो वो देश है नॉर्वे, ये नॉर्वे का फ्लैग है। और अगर नॉर्वे के बारे में हम और बात करें तो यहाँ की जो करेंसी है वो क्रॉन है और इरना सोलबर्ग है यहाँ की PM, जो कि 2013 से इस पोस्ट पर बनी हुई हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? Which mobile app was launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment to cater to the needs of differently abled? तो वो ऐप है सुगम्य भारत। आप सभी को पता है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, वो हैं श्री थावरचंद गहलोत। इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया वर्चुअली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जर्मन वाच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय जर्मन वॉच। तो भारत की रैंक है 7th। जर्मन वॉच द्वारा जारी क्लाइमेट चेंज इंडेक्स का ये 16th एडिशन था और इसमें टॉप जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज थी वो थी मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास। मोजाम्बिक नंबर 1 पर था, जिम्बाब्वे नंबर 2 और बहामास था नंबर 3 पर। यानी कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ क्लाइमेट चेंज का 2019 में वो इन 3 कंट्रीज पर हुआ। जर्मन वॉच के बारे में आपकी नॉलेज को ब्रशअप कर देते हैं। इसका हेडक्वार्टर है बॉन जर्मनी में। और ये बना था 1991 में और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में भारत में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 रिलीज बाई द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वाट परसेंट ऑफ डिक्लाइन इन इंडिया has been recorded in 2019 as compared to year 2018?
2018 से 2019 में जो कमी आई है वो आई है 17.6% की, और सबसे ज़्यादा कमी लाने वाला राज्य है मेघालय। WHO के बारे में आपकी जानकारी को और अपडेट कर देते हैं। WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जो कि है स्विट्जरलैंड में। आप सभी को पता है WHO बना था 7 अप्रैल 1948 को। प्रेजेंट में WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, वो हैं टेड्रोस अधानोम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 जारी किया गया? तो ये रिपोर्ट जारी की यूनेस्को ने। यूनेस्को है यूनाइटेड नेशंस एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और इसके हेड है ऑड्रे एजोले। ऑड्रे एजोले। यूनेस्को बना था 16 नवंबर 1945 को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किन खेलों को ओलंपिक खेल का दर्जा दिया है? गेम्स हैव रिसेंटली बीन गिवन ओलंपिक स्पोर्ट स्टेटस बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ब्रेक डांस, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग, या ऑल ऑफ द अबोव। तो इन चारों खेलों को दर्जा मिला है ओलंपिक खेल का। ब्रेक डांस, जो कि 2024 में जो समर ओलंपिक होंगे पेरिस में, तब से शुरू किया जाएगा। और बचे हुए तीन गेम सर्फिंग, क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग है, वो टोक्यो ओलंपिक गेम्स होंगे 2021 में, उनसे शुरू होगी। पहले ये 2020 के समर ओलंपिक से शामिल होने थे लेकिन नहीं हो पाए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में कुछ फैक्ट और जान लीजिए। इसका हेडक्वार्टर है लोसाने, जो कि है स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बैच। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी थी 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने COVID-19 वैक्सीन वितरण और डाटा रिकॉर्डिंग की वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च द विच ऐप फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ COVID-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिकॉर्डिंग डाटा। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने वो ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है कोविन, और आप सभी इससे अभी अपनी वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन और जो स्लॉट बुकिंग कर रहे होंगे, तो इस ऐप के बारे में आप सभी को पता है। किस संगठन ने भारत में ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन के साथ समझौता किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन टाइड अप विद इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस IESA टू प्रमोट एनर्जी स्टोरेज इन इंडिया? वो संगठन है UNIDO, और इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। UNIDO बना था 17 नवंबर 1966 को, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है ली योंग। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये बना था 2012 में, और इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने आपातकालीन चिकित्सा टीम पहल के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज हैव साइंड एन MOU फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इमरजेंसी मेडिकल टीम इनिशिएटिव। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने आपातकालीन
चिकित्सा टीम पहल के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, वो एग्रीमेंट का नाम पूछा गया है आपसे, तो उस एग्रीमेंट का नाम है रेड चैनल एग्रीमेंट। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ के बारे में आपकी जानकारी को अपडेट कर देते हैं। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट है फ्रांसिस्को रोका, और इसको बनाया गया था 5 मई 1919 को, और इसके फाउंडर थे हेनरी डोनट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट नामक पुस्तक किस मंत्रालय ने जारी की है? विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड ए बुक टाइटल्ड पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट? ये बुक रिलीज की है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, और जो हमारे मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, उनका नाम आप सभी को पता है, उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओला द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर निर्माण कारखाना कहाँ स्थापित किया जाएगा? ओला टू सेटअप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओला एक कारखाना बनाएगा तमिलनाडु के होसुर में, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होने वाली है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह देश जिसने भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद के लिए भारत के साथ रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद पर समझौता किया है? द कंट्री दैट साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर द परचेज ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स फॉर द परचेज ऑफ डिफेंस मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट, यानी कि ब्रह्मोस को खरीदने के लिए किस कंट्री ने भारत के साथ समझौता किया है हाल ही में? तो वो कंट्री है फिलीपींस। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप जानते ही हो। फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है रोड्रिगो दुतर्ते। फिलीपींस की करेंसी है पैसो, और फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत की? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई वेल्थ कार्ड्स अंडर विच स्कीम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे ऑन 24 अप्रैल 2021। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं पर मिल गया कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज डे, और 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो योजना लॉन्च की है उसका नाम है स्वामित्व योजना। स्वामित्व की काफ़ी बड़ी सी फुल फॉर्म है, मैं आपको बता देता हूँ, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इतना बड़ा नाम दिया गया है इस योजना को, और जो ये आयोजन किया गया 24 अप्रैल को उसमें 5000 से अधिक गांवों में लगभग 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को उनके ई संपत्ति कार्ड दिए गए हैं, और इस योजना की शुरुआत सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसे 6 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और एमपी में पायलट आधार पर लॉन्च किया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आपका एक लाइक हमारे लिए रेमडेसिविर की तरह है। तो बने रहिएगा साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।